हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन। आज की सीक्वेंस के रिगार्डिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो आपके सिलेबस में एक तो ये टीचर एजुकेशन में दिया गया है, जहाँ पर कि इसके मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है, और उसके अलावा ये आपको करिकुलम डिवेलपमेंट में भी आपको यूजीसी का एक छोटा सा टॉपिक जो है वो दिया गया है। तो हम लोग इसको दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग केवल यूजीसी के मेन फंक्शंस के ऊपर ही डिस्कशन जो है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी केम इनटू बीइंग ऑन दिसंबर 1953 एंड बिकेम एन ऑटोनोमस बॉडी इन 1956 एंड इट्स मेन फंक्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम को ही आप ध्यान से समझिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट पे करता है। क्लियर। चलिए, इंक्वायर इनटू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ये इंक्वायर करती है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ कहाँ फाइनेंशियल नीड्स है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर फाइनेंशियल नीड्स देने की ज़रूरत है। उस पर्टिकुलर एरिया को इंक्वायर करने के बाद उसको एलोकेट करती है और फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी ग्रांट को। क्लियर। Then it also advises the central or state government on the allocation of grants to universities for particular purposes. ये central और state government की भी सलाह भी लेती है और उसको सलाह देती भी है कि कौन कौन सी universities में किस किस purpose के लिए grant की ज़रूरत है। Then to establish new universities को establishment के लिए UGC की permission जो है वो लेनी पड़ती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेट टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। इसके अलावा देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में 70% जो कैरिकुलम होता है उसका निर्धारण यूजीसी करती है और 30% करिकुलम का निर्धारण जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खुद करती हैं। तो इसीलिए यूजीसी हमेशा ये देखती है कि जो भी उसने करिकुलम यूनिवर्सिटीज़ को बना करके दिया था, क्या उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के आधार पर, उन्हीं स्टैंडर्ड के आधार पर ही क्या वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। यूजीसी इज़ अ पेइंग, एलोगेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंसी। इसका मेन काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना और मेंटेन करके रखना स्टैंडर्ड्स को इन हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल। नाउ फॉलोइंग एरियाज आर टू बी कवर्ड अंडर यूजीसी। मेन फोर एरियाज हैं जहाँ पर जो कि यूजीसी जो है वो कवर करती हैं। नंबर वन, डिस्कवरी एंड कल्टीवेशन ऑफ टैलेंट। ये देखती है कि यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में टैलेंट को ये डिस्कवर करती है और उस टैलेंट को आगे किस प्रकार से लाना है, उसको किस प्रकार से कल्टीवेट करना है, इसके लिए ये फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को। नेक्स्ट, सेकेंड वन, ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स इन न्यू टेक्निक्स के साथ टीचर्स को जोड़ने के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ में। एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन एजुकेशन एंड फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये चारों आपको दिमाग में रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इट ऑर्गेनाइजेज सेमिनार्स, वर्कशॉप, समर इंस्टीट्यूट्स, कॉन्फ्रेंसेज। TA एंड DA आर टू बी सेट फॉर टीचर्स। यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, समर इंस्टीट्यूट्स लगते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती है, उनके लिए टीचर्स को आने और जाने के लिए ये TA और DA भी प्रोवाइड करती है। क्लियर। इसके अलावा ये वहाँ पर अपने फंड्स जो है प्रोवाइड करती है सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करने में। सम टाइम वर्क्स ऑन यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स। ये भी देखती है कि यूनिवर्सिटी में जो बुक्स हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, अगर उसे ये लगता है कि ये स्टैंडर्ड की बुक्स नहीं है तो वो उन बुक्स को हटाने का भी जो है वो राइट रखती है। एंड अदर लर्निंग मटीरियल्स एंड सपोर्ट इन रेलिवेंट प्रोजेक्ट। ये भी देखती रहती है कि यूनिवर्सिटी में जो भी लर्निंग मटीरियल है, जो भी सपोर्ट है टीचर्स को, वो बिल्कुल सही है एज़ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड के आधार पर वो है या नहीं है, इसके ऊपर भी UGC की जो नज़र है वो रहती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फंड्स फॉर मेकिंग स्टाफ क्वार्टर्स, टीचर्स हॉस्टल्स, बिल्डिंग फॉर टीचिंग एंड रिसर्चेज अलोंग विद इक्विपमेंट्स। यानी कि जितनी भी रिसर्चेज हायर लेवल की एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है, जो भी स्टूडेंट्स उसको करना चाहता है, टीचर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आगे उनमें कुछ नई इनोवेशंस, कुछ नई टेक्निक्स की खोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए UGC जो है वो उनको एक
ग्रांट प्रोवाइड करती है, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, किसको? यूनिवर्सिटीज़ को। तो कुल मिला के यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यूजीसी रोल अदा करती है करिकुलम डिवेलपमेंट में एट हायर एजुकेशन। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी।